दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं, तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अगर उन दलित भाइयों का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को हक को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए ये आपके जो प्रयास है, तो मैं आपके उस पौरुषत्व को भी चैलेंज करता हूं। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगा जिस छोटे और हल्के शब्दों का आपने उपयोग किया है, लेकिन दुर्भाग्यजनक है आपकी मानसिकता देश के अंदर आज भी, जो आप मुसलमानों के हक के लिए आप हमेशा से कहते रहे। कांग्रेस के अंदर आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है, आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही कहते रहे कि आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देना यानी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का हक छीनना। तो इसको अगर कांग्रेस और आप अपना पौरुषत्व मानते, तो मैं इसे चैलेंज करता हूं।